रक्षाबंधन से जुड़ी कई प्रचलित कहानियाँ हैं। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की दो पौराणिक कथा। माता लक्ष्मी की कहानी। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके यज्ञ पर पहुंचकर दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने मांग स्वीकार की तो प्रभु ने 1 पग में आसमान नापा तो दूसरे पग में पूरी जमीन नापी। बाली समझ गए कि प्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए बाली ने प्रभु का 3रा पग अपने सिर पर रख लिया और उनसे विनती की कि मुझे स्वीकार कर मेरे साथ रहे। भगवान विष्णु को बाली की बात माननी पड़ी। ऐसे में भगवान विष्णु के न लौटने पर माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने माता से मनचाहा उपहार मांगने को कहा, जिसके बदले में माता लक्ष्मी ने अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु के वापस लौटने की मांग की। अपने वादे को पूरा करने के लिए बलि ने माता लक्ष्मी की मांग को स्वीकार कर लिया। दूसरी कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। रक्षाबंधन का मूल इतिहास पुरातन भारत में बसता है और यह कहानी महाभारत के एक अद्वितीय किस्से से जुड़ी हुई है। महाभारत के अनुसार एक बार सुदर्शन चक्र से चोट लग जाने पर कृष्ण जी की उंगली से खून निकलने लगा। इस बीच द्रौपदी जो पूरे घटना देख रही थी, उन्होंने खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और प्रभु श्री कृष्ण की उंगली को उससे बांध दिया, जिससे खून रुक गया। इससे खुश होकर प्रभु श्री कृष्ण ने आवश्यकता पड़ने पर द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। वहीं द्रौपदी के चीरहरण के दौरान जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया तो उन्होंने रक्षा करने का वचन निभाया और द्रौपदी के मान सम्मान को बचाया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान विष्णु की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।